जैसा कि पता था कि अगला व्लॉग जो आएगा वो शॉपिंग और शॉपिंग ओनली शॉपिंग का व्लॉग आएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है तो उसके लिए ड्रेसेस लेने हैं और सबको लेने हैं। चाहते तो एक बार में शॉपिंग हो सकती थी सबकी, बट क्योंकि कंटेंट चाहिए तो इसलिए एक बार में कैसे हो सकती है, तीन बार में वो शॉपिंग सबकी कंप्लीट करी गई है। और इस बार व्लॉग जो है 3 दिन के बाद आया, और लास्ट मिनट जो प्रिपरेशंस होती हैं वो सारी प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। सच पूछो तो दोनों की हवाइयां उड़ी पड़ी हैं बुरी तरीके से। अब उनको रिजल्ट नजर आ रहा है, या ये कहिए रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया कि जब हमने इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ किया है या इतने दिनों से एक हवा जो खड़ा किया था उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो रेस्टोरेंट का जो काम है इनका वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, किस तरीके का होगा। जिस तरीके से ये पिछले 3-4 व्लॉग से रेस्टोरेंट 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 ओपनिंग ये सबके बारे में बोल रही है और बिना सोचे समझे बोल रही है कि ये क्या बोल रही है और उसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये दबे रूप में या छुपे रूप में इनविटेशन दे रही है कि आप आओ, सब लोग आओ, हमारी ओपनिंग है। एक मन में डर होता है ना कि भाई पहले दिन है, कोई नहीं आया या कम लोग आए तो अच्छा नहीं होगा, तो ये इस तरीके से जो दबे छुपे इनविटेशन दे रही है और एड्रेस और ये सब चीज़ें बता रही है, तो उससे तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा केओस होने वाला है। एक बार फिर केओस इस रूप में कि मैनेजमेंट और कंट्रोल दोनों ही इनके हाथ में नहीं रहते हैं और इनको कुछ पता भी नहीं रहता और उसको कोई सोचते तक नहीं है कि उसका क्या होगा। हैदराबाद में क्या हुआ, कंट्रोल से बाहर निकल गई बात और हालत ख़राब हो गई इनकी, और इनको हालत ऐसी हो गई कि वहाँ से जैसे बच के बाहर निकलेंगे या भाग जाएं वहाँ से। वो तो अच्छा हुआ जो कि लोकल जो जिन लोगों ने वो करा रहे थे उन लोगों ने बहुत मदद करी इनकी और तब जाके ये प्रॉपर तरीके से कर पाए। प्रॉपर तरीका तो कहना ही नहीं चाहिए, पूरा क्योस हो चुका था हैदराबाद का जो मीटअप था। सिमिलरली जिस तरह से इसने जमशेदपुर में अपनी पब्लिसिटी की थी कि मैं जमशेदपुर में हूँ और शादी में जा रही हूँ, तो वहाँ उस शादी के घर में भी इतने लोग आ गए थे कि इसको भागकर होटल में आना पड़ा, क्योंकि ये दिखाए या ना दिखाए लोग तो इस बारे में कहेंगे ना कि उसकी शादी बिगाड़ दी और उसका जो फंक्शन था वहाँ पर इतने सारे लोग आ गए कि उसका फंक्शन जो है मिसमैनेज हो गया। अब ये गलती किसकी थी, ये गलती इसी की थी, माइंडलेस कपल की। ये दोनों के दोनों ही बुद्धिहीन हैं, बिल्कुल दिमाग से काम नहीं करते और सोचते नहीं है इसका क्या होगा है क्या नहीं होगा। इन्हें बस ये अच्छा दिखाई देता है कोई आ रहा है इनके पास फोटो खिंचवा रहा है तो हम अच्छे हैं, हमारे मम्मी पापा अच्छे हैं, बाकी सब लोग बेकार हैं, हम खुश हैं, हमारे मम्मी पापा खुश हैं, इससे आगे की सोच इनकी बढ़ती नहीं है। तो इसकी जो रेस्टोरेंट की ओपनिंग है ना वो ओपनिंग कम होगी, वो मीटअप ज़्यादा होगी, वहाँ पब्लिक इसकी वजह से ही वहाँ पे पहुँच जाएगी और ये उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और एक केओस दिखाई देगा वहाँ पर भी। और कैसे करना है, कैसे संभालना है, क्या हो सकता है, किसी की सलाह तो लेते नहीं है ये दोनों पूरी तरीके से, ना भाइया की ना भाभी की। अरे भाई ये वक्त तो कम से कम ऐसा है, कम से कम साथ बैठ जाओ और बैठ के बात कर लो कि हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, आप बताओ ये ठीक है या नहीं है, किस तरह से किया जाए। बट उनको सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन दिया जा रहा है कि डेट ये है, टाइम ये है, वेन्यू ये है, तो आप लोग आ जाइए। और साथ साथ जो है उनकी ड्रेस और इन सब के बारे में जो इसने बताया है कि उन्होंने कहा है कि हम मैनेज कर लेंगे, भैया वो क्यों करके तुमसे ड्रेस लेंगे, ना ही हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि सिस्टर से या छोटी बहन से इस तरीके से लिया जाए। वो बात दूसरी है, अपनी पसंद से ये बहुत अच्छे से उनके लिए दोनों के लिए लेकर आती और लेकर आकर देती कि भी ये हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और आपको अगर अच्छा लगे तो आप उस दिन इस चीज़ को पहनकर आइए। सो दैट वॉज द डिफरेंट थिंग। पर अब जब दोनों की बिल्कुल भी बन नहीं रही है और दोनों एक तरह से एक रियल सेंस में क्लोज नहीं है, तो फिर ये दोनों तरह से फॉर्मेलिटी सी हो रही है। ये उनको बता रहे हैं क्योंकि इनको वो भी चाहिए कि भाई वो भी वहाँ पर जाने चाहिए, नहीं जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहेगी। सेकेंडली उनको भी ये है कि उनको अपनी एक स्पेशल अपीयरेंस देनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, और ऐसा ही होने वाला है, वहाँ सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस होगी और थोड़ा सा ये दिखाई जाएगा कि कितनी ज़्यादा इंटीमेसी है और उसके बाद में 2 मिनट में गायब, एक छोटी रील बनाई जाएगी एक तरह से, एक रील बना के और वो ख़त्म, ये हो गया बस हमारा। तो अब जैसे आप संबंध रखोगे वैसे तो संबंध रहेंगे, देखा जाए तो ठीक है जो भी कुछ आपके बीच में चल रहा है वो एक अलग बात है, पर आज जिस मुकाम पे यहाँ पर हो तो उनमें सबसे बड़ा हकदार जो है एज ए पेरेंट्स, मतलब जो आप कहती हो कि भाई भाई ने जो है फादर की जगह ले ली है, तो वहाँ पापी गुड़िया को इसने ही बड़ा किया है, तुम्हारी भाभी ने ही बड़ा किया है और आज इस कंडीशन में तुम उसी की वजह से हो। क्या पूरा घर जो है आज उसी की वजह से है, तो तुम्हें
इस बात को तो कम से कम मानना चाहिए, ये पुरानी बातें नई बातें ये सब अलग रहीं, लेकिन भैया भाभी को वो दर्जा देना चाहिए था कि जिनकी वजह से आज ये दिन देख रही हो कि आज तुम रेस्टोरेंट खोलने लायक हुई हो और रेस्टोरेंट चला सको। पता नहीं क्यों लोग बाग जो उन जड़ों को भूल जाते हैं जिन जड़ों से वो बड़ा हुआ है वो पेड़, और जिनसे ये सब पत्ते लगे हैं फल लगे हैं, और इन फलों को देख के लोग बाग उस पेड़ को याद रखते हैं, लेकिन उन जड़ों को कौन याद रख करता है कि जिन्होंने ये सब करके इतना मेहनत करके ये सब पेड़ उगाया। चाहे आपके रिश्ते आज की डेट में कुछ भी हो, लेकिन आपको फिर भी जो है इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि ये जो है उनकी देन है, तो एटलीस्ट इस मौके पर उनको वो ओहदा और वो इज्जत देनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। पर ये दोनों ही अपनी हवा में इतनी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि पीछे मुड़ के देखना चाहते नहीं, मतलब के देंगे तो गले लगा लेंगे लेकिन इसके लिए नहीं लगाएंगे कि उनका सच्चे दिल से अपने ईमानदारी से उनका जो इज्जत करें और उनका जो हक है वो हक उनको दें। जिस तरह से मैडम पूछ रही हैं अपने व्लॉग में कि उनको कैसी ड्रेस पहननी चाहिए, यानी किस कलर की ड्रेस पहननी चाहिए उनके बर्थडे पर, ऐसे ही क्वेश्चन ये फेंक रही है अपने वीडियो में भी और अपने इंस्टा पे भी कि सनी की ड्रेस कैसी होनी चाहिए, आइदर वेल सूटेड या फिर कुर्ता पजामा, जो कि वो ड्रेस अपनी चाहता है कि मैं यही पहनूंगा। ईद पे खिली हुई ड्रेस, जो इतनी शानदार ड्रेस लेकर आया कि भाई ये वाली पहननी है ये वाला करना है, वो तो रखी की रखी रहेगी उसकी। क्या होता है, हम अपना भविष्य खुद अपने आप ही लिखते हैं, जो आज हम कर रहे हैं वही उसका नतीजा कल आएगा, और वो नतीजे से हम कैसे मुंह फेर सकते हैं, और वो नतीजा हमारी ही देन होता है। अब देखिए कॉपी करने में तो बिल्कुल जो है आगे है, बहुत आगे है, और वैसे तो पूछेगी नहीं अपनी भाभी को, लेकिन भाभी की कॉपी करने में सबसे आगे है। भाभी ने अपने व्लॉग में ईश्वर कलेक्शन को प्रमोट किया और दिखाया कि वहाँ सेल लगी हुई है और वहाँ पे जो कितने अच्छे कपड़े हैं जो सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, और सेल को फोकस किया बहुत ज़्यादा। सिमिलरली उसके अगेंस्ट इसने दूसरा ढूंढा हुआ है। आप देखो ये ईश्वर कलेक्शन नहीं जाती है, जबकि फैमिली मतलब शुरू से ही भैया जो है वहीं पर लेके जाते थे और वहीं पर जाके कपड़े दिला के लाते थे पूरी फैमिली को, लेकिन इसे तो अपना प्रमोशन करना है तो इसने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, तो ये ईश्वर कलेक्शन की जगह बालाजी कलेक्शन पे जा रही है। आप समझ गए होंगे नाम हमने चेंज कर दिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी तरफ से किसी का भी प्रमोशन करें। आप पिछले व्लॉगों में भी देख लीजिए, ये उसी का प्रमोशन करती है और वहीं जाके दिखाती है। अच्छा देखो सोचने वाली बात ये है, आप इन दोनों के बिल्कुल भी बहकावे में ना आए कि ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है या यहाँ पे सेल लगी है वहाँ पे सेल लगी हुई है। एक्चुअली क्या है कि जब 15 अगस्त आती है तो 15 अगस्त से पहले सभी लोग अपने मॉल्स में अपने शोरूम्स में और बाकी कमोडिटीज़ पे सेल लगती है, क्योंकि इस टाइम में ये एक वेकेशन पीरियड होता है, छुट्टी का पीरियड होता है, तो इस टाइम में सब लोग जो खरीदारी करते हैं, और साथ साथ जब सेल लगती है तो फिर आदमी कुछ जो एक्स्ट्रा परचेजिंग भी कर लेता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 15 अगस्त आती है तो उसके आसपास ही आगे या पहले या बाद में रक्षाबंधन आता है, और रक्षाबंधन कोई छोटा त्यौहार नहीं है, तो इसलिए सारे शोरूम्स अपनी सेल लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल लगी है और सेल को ये प्रमोट कर रहे हैं, ये सेल अच्छी है और कहीं नहीं लगी हुई है। तो आज की डेट में इस वीक में और नेक्स्ट वीक में आपको भरपूर सेल मिलेगी, हर जगह सेल मिलेगी, तो जो आपको शोरूम अच्छा लगता हो या जो आपको मॉल अच्छा लगता हो वहां से जाके कपड़े खरीदिए, इनके चक्कर में ना आइएगा कि भाई इसकी सेल अच्छी है या उसकी सेल अच्छी है। इवन देन आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी सेल मिल जाएगी, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन पे भी बहुत ज्यादा सेल और डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। एक और डिस्क्लेमर दे दूं या वैधानिक चेतावनी दे दूं कि ये सेल के चक्कर में ओवर परचेजिंग ना करें, अपने बजट के हिसाब से ही करें। इनका क्या है, इनके पास तो पैसा इतना आता है कि बस पूछिए मत। चलिए हमारा काम जो है ज्ञान देना नहीं है, लेकिन चेतावनी देना जरूर है, वो हमने सबको बता दिया है। वापस अपने टॉपिक पे लौट कर आते हैं, तो ये कॉपी की है इसने अपनी भाभी की, और वक्त पे रहते ही प्रमोशन कर दिया और साथ साथ वहाँ से कपड़े भी खरीद लिए, जो बेसिकली इसको डिस्काउंटेड कह लीजिए या और भी ज़्यादा जितने डिस्काउंट लगे हुए थे ना उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट पे डेफिनेटली 100% लेके आई होगी, क्योंकि इसके अलावा कहीं जाती नहीं है। और वहाँ जिस तरह से ये बात कर रहे थे वो भी आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्काउंट ही नहीं कुछ और भी है। एक और जो बहुत ज़्यादा घटिया बात फनी ने करी है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। वो घटिया बात ये है, आज की डेट में जिस तरह का मौसम चल रहा है तो सभी की तबीयत ख़राब चल रही है, इवन इनके घरों में भी सबकी तबीयतें ख़राब चल रही हैं इस मौसम की वजह से ही।
ऐसे में जो उनके ड्राइवर हैं समीर भाई हैं, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस टाइम में जबकि उसको बाहर इधर उधर आना जाना पड़ रहा है फ़नी को अपने रेस्टोरेंट के लिए, बार बार रेस्टोरेंट जाना, वापस आना, मीटिंग्स करना और बाकी चीज़ें वहाँ के लिए परचेज करना, और फिर बाकी का काम देने के लिए डब्बा तो है ही कि भी अब मेरे को वहाँ लेके चलो, अब मेरे को वहाँ लेके चलो, अब मुझे शॉपिंग करनी है, अब खाना खाना है, ये सब करने के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है ये, और बोल रहा है क्योंकि वो नहीं है, समीर भाई नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा थकान, मेंटल प्रेशर और मेंटल टेंशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फनी भाई, कभी आपने काम किया थोड़ना है, अब तक जो है बैठकर खाई है, मज़े की खाई है, घूमना फिरना किया है, और ड्राइविंग भी जो है कोई और करता है, तभी तो तुम्हें इतनी फुर्सत मिल जाती है कि तुम जो उसकी चप्पल उठा के चल सको। यहाँ तक कि यहाँ पे मुंबई में भी चप्पल उठा के एक बार चला था गार्डन में, और वहाँ पे जमशेदपुर में भी यही किया था, जब होटल से बाहर निकले थे तो उसके चप्पल उठा के घूम रहा था। वास्तविक ज़िंदगी में लोग बाग ऐसे ही मेहनत करते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, प्रेशर झेलते हैं, टेंशन लेते हैं, तब जाके वो कुछ कमा पाते हैं और अपने घर का खर्चा चला पाते हैं। तुम्हारे को तो इस तरह की कोई टेंशन है नहीं, तो अपनी परेशानी देखकर बिल्कुल भी मतलब सब्र नहीं किया और उस बंदे को दोबारा से बुला लिया। अगले दिन आप देखेंगे कि ड्राइविंग करने के लिए कौन आ गया, वापस आ गए हैं, बस एक बार पूछ लिया कि उसने कि आपकी तबीयत कैसी है, जबकि हमको पता है कि इसका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ में, खास तौर से नीचे लोगों के साथ में जिनसे ये काम कराता है। दूसरों के लिए तो दोनों की आदत ही बहुत ज़्यादा कनिंग है, ये समझते हैं कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हम सब कुछ करा सकते हैं और उनको ऐसे गुलाम बना सकते हैं। अब आप देख लो इसके पास कौन मैनेजर टिकता है, ये सीधा साधा लड़का कृष्णा ये कितने दिन टिकेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो फनी ने उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट भी नहीं करने दिया जबकि उसको बीमारी चल रही थी, उसको तुरंत अपनी जो नौकरी पे बुला लिया कि भी आ जा और अपना काम कर। ये सारे लोग ना व्लॉग में अच्छा बनकर दिखाते हैं, ऐसे ही वो जो संतोष है यानी कि जो मैडम और जनाब का ड्राइवर हुआ करता था, वो बराबर डायलिसिस अपना करा रहा है और इतना ज़्यादा खर्चा जो सहन करता होगा, और उसके पास काम है नहीं तो बार बार इनके पास आता रहता था कि भाई मुझे कुछ काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। लेकिन अब जब मैडम का काम आया है तब उसको वहाँ पर वापस बुलाया है कि हाँ भाई एहसान कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा, कि हम देखो इसकी सहायता कर रहे हैं और हमने इसको बुला लिया है और ये 3-4 घंटे काम पर आएगा और जो है अपने परिवार के लिए कुछ पैसे लेकर जाएगा क्योंकि इसकी हालत भी ठीक नहीं चल रही है। मौका ढूंढते हैं अपने आप को अच्छा बनाने का, अच्छा दिखाने का, और देख लीजिए वास्तविक ज़िंदगी में कैसे हैं। दूसरों का खून पीना या दूसरों को चूसना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, कोई ये रुखसानाबाजी या बावरा को ऐसे ही नहीं लेकर आए हैं। अगर ये नहीं आते तो इनको जो पेरेंट्स आए इनके यानी सास ससुर आए, इनको संभालने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी थी, उनका खाना पीना, उनकी देखभाल, इन सब के लिए ही इनको ये लेकर आए हैं। ये कोई अच्छे नहीं है कि इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको साथ में ले आए, इनको अपने साथ घुमाते हैं, फिराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने तो देख ही लिया जो बालकोनी है ना, वहाँ पे उसका सामान रखा रहता है रुखसानाबाजी का, और लगता है वहीं पे उसका गद्दा बिछा हुआ होगा। वैसे भी जनाब ने तो बिल्कुल मना कर दिया है कि वहाँ नीचे वाले उसमें, जो कि उनका अपना घर है, देखा जाए तो ये उन्हीं का घर है, अम्मी का घर भी, तो वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। तो आज की डेट में अगर प्लेटफॉर्म बनाना है तो तुम अपने घर को बनाओ, मेरे घर को प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगी। तो इसमें भाई भाभी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो खालाएँ खालाओं की फौज वहाँ पड़ी रहती थी, वो करती थी, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे सारा फ़ायदा कौन उठाता था, यही उठाती थी हमेशा। तो कुल मिला के दोगले लोग हैं, लोगों को यूज़ करना ये अच्छी तरह से जानते हैं। आप देख लीजिए आज तो 4 से 5 दिन हो सके हैं, एक बार भी क्या उन बच्चों के जो दादी गुजर गई है उसके बारे में एक बार भी एक लफ्ज़ भी किसी ने भी अपने व्लॉग में कहा है, कोई स्टोरी कहीं पे भी कोई चीज़ कहीं पे भी लगाई है? आप ही बताइए। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए इनकी, वो जो बच्चे हैं उनकी दादी गुजरी है, क्या सच में कोई फर्ज नहीं बनता पोते पोतियों का अपनी दादी के लिए या दादा के लिए कि अगर उनकी कोई साथ में इस तरह से हो जाए तो उनके जाके वहाँ पे फातिहा पढ़ लें, उनकी कब्र पे जाकर वहाँ पे कुछ दरूद पढ़ लें और उनके मगफिरत के लिए दुआ कर लें।
मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप नहीं चाहेंगे आपकी जो भी उम्र हो उसके बाद में जब आप गुजर जाएं या कुछ ऐसा रहे, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो क्या उसके बाद में आपके परिवार बाकी लोगों को तो चलो छोड़ो, वो याद करेंगे या नहीं याद करेंगे, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे काम किए हैं उनके लिए और ज़िंदगी अपनी कैसे बिताई है। लेकिन कम से कम अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों से तो ये उम्मीद करेंगे कि वो कम से कम आपके लिए दुआ करें। अरे नहीं गए तो कम से कम एक कुरान खानी यहाँ पे करा दी होती उनके नाम की, उनके नाम की यहाँ पे दुआ करा दी होगी। पर ये भी इनको समझ नहीं आता, इनको ऐशो आराम, कपड़े, फैशन और मॉल और मज़े और खाना पीना यही सब अच्छा लगता है इनको। फिक्र ना करो, एक ना एक दिन सबका आता है और एक ना एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है और सब लोगों को जाना है एक दिन एक दिन। चलिए इस व्लॉग का रिव्यू अगले पॉडकास्ट में करेंगे, अभी तो हमने मोटे मोटे कुछ पॉइंट टच किए हैं जो इनके हाईलाइट करने थे, जो तुरंत ही एकदम आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं, जो कॉमन सेंस कहती है, अभी हमने वही पॉइंट टच किए थे। तो इनके व्लॉग का रिव्यू अगले पॉडकास्ट में करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।